हेलो स्टूडेंट, हाँ टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास सिक्स। चैप्टर नंबर सेकंड इज कंपोनेंट ऑफ फूड। दिस इज आवर चैप्टर नेम, कंपोनेंट ऑफ फूड। इट्स मीन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, की जो हमारा भोजन है उसके कंपोनेंट, कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। चैप्टर का नेम ये है और चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सफेज एंड डाइटरी फाइबर। ये हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। लास्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। ये फूड का वो कंपोनेंट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और चैप्टर में बैलेंस डाइट पढ़नी है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं। ओबेस्टी, ओबेस्टी भी पढ़ना है चैप्टर के लास्ट में। ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में हमने अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, उनके क्या वे फूड खाते हैं और उस फूड को लाइक क्यों करते हैं, और लास्ट में इसका रीजन भी बताना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी टेबल में नोट आउट करने के बाद। तो चैप्टर के पहले टॉपिक चाहिए न्यूट्रिएंट्स। द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट, कि वो खाना जो फूड है, भोजन है, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, फूड से कुछ सब्सटेंस को कंटेन करता है, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। दैट आवर बॉडी रिक्वायर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, हमारी बॉडी जिसको रिक्वायर करती है। क्यों रिक्वायर करती है? क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। अब बता रहा है कि फूड के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वे कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सब हमारे फूड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दे आर न्यूट्रेंट रफेज, डाइटरी फाइबर एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे जो भोजन है उसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि वाटर हो गया और ये रफेज या डाइटरी फाइबर बोलते हैं इसको, ये भी हमारे भोजन के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो अब पहला न्यूट्रिएंट पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा हमने, तो उस रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, उसके अंदर भी ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अब कह रहा है कि जो हमारा जो फूड है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, शुगर की फॉर्म में या फिर स्टार्च की फॉर्म में। द कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं कि अब जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर, डाइट के अंदर होता है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिलती है। फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलन एटसेट्रा। अब कार्बोहाइड्रेट जिस फूड के अंदर होता है उसके कुछ एग्जाम्पल है, मैंगो, बनाना, लीची, मेलन एटसेट्रा आर रिच इन शुगर, वेयर एज कैरल लाइक व्हीट, राइस एंड मेज आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। कह रहा है कि जो ये अभी हमने जो कुछ फ्रूट्स के नाम पढ़े हैं, इनके अंदर शुगर ज्यादा मात्रा में होता है, और कुछ कैरल्स है जैसे कि व्हीट, राइस एंड मेज, इनके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है। सम वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आल्सो कंटेन स्टार्च, इनके अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, जैसे कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो है, आलू और शकरकंदी, इनके अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इट प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कह रहा है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है जो हमारी बॉडी को बनाती है। अब प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, और इसके अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। इन सब से मिलकर प्रोटीन बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस।
कह रहा है कि प्रोटीन क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उनको ग्रो करता है, टिश्यू की ग्रोथ करता है, टिश्यू को इंक्रीज करता है ये। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यू एट द एज, हमारी बॉडी के जो टिश्यू है उनको वियर और टीयर करने में भी हेल्प करता है। बीन, दाल, व्हीट, स्प्रोट, मीट, फिश, मिल्क एंड चीज आर प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन कौन से भोजन में ज्यादा, बीन दाल है, बीन दाल है, बीन दाल, व्हीट, स्प्रोट, मीट, फिश, मिल्क एंड चीज। ये डायग्राम में भी दिखा रखे हैं यहाँ पर। वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। सोयाबीन एक रिचेस्ट सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स मतलब जिसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन। कह रहा है कि मीट में और एग में इन सबसे दुगना चार गुना प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है उसका नाम है फैट। फैट आर आल्सो मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि जो फैट है वो भी कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो काफी कम प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देखो इस लाइन में ये बता रहा है कि जो हमारे फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट है दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि फैट के अंदर ऑक्सीजन कम होती है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। फैट प्रोवाइड अस ए गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, विटामिन ए एंड विटामिन डी आर सोल्यूबल इन फैट। फैट के अंदर काफी अमाउंट में एनर्जी होती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है फैट के अंदर, और विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। Therefore, fat are essential for their absorption in the body. इसलिए जो फैट है वो हमारी बॉडी के एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। फैट प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। अब बताएगा कि कहाँ कहाँ से मिलता है, देखना है। वेजिटेबल ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल होता है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल है, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, इन सब के, ये सभी जो प्लांट है इनसे जो ऑयल निकलते हैं उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। उसके बाद फैट हमारा मिल्क के अंदर, दूध के अंदर होता है, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर है, घी है, मीट, फिश है, एग है, इन सब के अंदर काफी सारा फैट प्रेजेंट होता है। ड्राई फ्रूट एंड नट आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट। ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं, बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये ड्राई फ्रूट है। नट्स प्रेजेंट है उनके सबके अंदर फैट होता है। फैट कैन बी कैटेगराइज इन टू सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। अब फैट को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सैचुरेटेड फैट है और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट है। जो सैचुरेटेड फैट है उसका बटर एग्जाम्पल है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो होता है वेजिटेबल ऑयल, जो हमें प्लांट से जो ऑयल मिलता है जैसे डालडा घी हो गया, वो अनसेचुरेटेड फैट होता है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये फैट के दो टाइप हो गए। उसके बाद दो अगला न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन। विटामिन आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। विटामिन क्यों आवश्यक है, वो हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ करने के लिए और जो हमारी हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए। ये लिखा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और जो बॉडी है उसकी ग्रोथ करने के लिए विटामिन इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी हमें इसको काफी कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है विटामिन की, लेकिन जो विटामिन होते हैं इससे हमें एनर्जी नहीं नहीं मिलती है। देखो यहाँ पर लिखा डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से, एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रोथ करता है और हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। दे हेल्प अस इन वेरियस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी रिएक्शन होती है, मेटाबोलिज्म होता है, तो जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को कैरी करने के लिए, टेकिंग प्लेस करने के लिए विटामिन आवश्यक है। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन, प्लांट से हमें काफी सारे विटामिन मिलते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड, हाउएवर सम विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। कह रहा है कि जो हमारे फ्रेश फूड होते हैं, ताजा सब्जी होते हैं, ताजा भोजन है, उनके अंदर विटामिन होता है, लेकिन कुकिंग के बाद जब हम खाना पका लेते हैं उसके बाद काफी सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं कुकिंग करने के बाद। विटामिन हेल्प अस टू कीप आवर आई, बोन, टीथ एंड गम हेल्दी। विटामिन से हमारा क्या क्या, कौन कौन से बॉडी पार्ट हेल्दी रहते हैं, आईज, बोन्स एंड टीथ एंड गम्स हेल्दी। इफ आवर डाइट लैक विटामिन, मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी विल नॉट टेक प्लेस एंड वी मे सफर फ्रॉम डेफिशियंसी डिज।
अब कह रहा है कि अगर हम विटामिन को अच्छे अच्छे मात्रा में नहीं खाएंगे, किसी विटामिन की हमारी बॉडी में कोई कमी हो जाएगा तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। डेफिशिएंसी डिजीज होती है जो किसी विटामिन के कारण होती है। आगे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन से विटामिन के कारण कौन सी डिजीज होती है। दे आर नेम्ड एज, कुछ विटामिन के नाम बता रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये कुछ विटामिन के नाम है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूट एक ग्रुप ऑफ विटामिन। कह रहा है कि जो विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर काफी सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। दीज विटामिन आर ऑफ टू काइंड, वाटर सोलुबल विटामिन एंड फैट सोलुबल विटामिन। जो विटामिन है ये ऊपर जो विटामिन पड़े हैं ये दो तरह के होते हैं, टू काइंड। पहली पहली टाइप है कि वाटर सोलुबल विटामिन जो वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं, और दूसरा है फैट सोलुबल जो फैट के अंदर सोलुबल होते हैं, मिल जाते हैं। विटामिन ए डी ई एंड के आर सोलुबल इन फैट। अब जो विटामिन हमने कुछ ऊपर पढ़े हैं इनमें से ए डी ई और के ये फैट के अंदर सोलुबल होते हैं, और जो विटामिन बी है और सी है ये वाटर सोलुबल होते हैं। अब नीचे चार्ट दे रखा है, ये चार्ट हमें याद करना है, ये पूरा का पूरा चार्ट। ये चार्ट हमने लर्न करना है। इस चार्ट में इसमें बता रखा है कि कौन से विटामिन हमें कहाँ से मिलता है और वो क्या काम करता है, और साथ में ये भी बता रखा है लास्ट में कि अगर वो विटामिन हमें नहीं मिलेगा तो हमें कौन सी डिजीज होगी और उसके क्या सिम्टम है। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए विटामिन ई, उसका सोर्स होता है लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल एंड फ्रूट। इन सभी चीजों से हमें विटामिन ई मिलता है, और इसका काम होता है हमारी आईज को, स्किन को और टिश्यू को हेल्दी रखना। अगर विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस होता है रात को दिखाई नहीं देना, और ड्राइनेस ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है त्वचा है वो सूख जाएगी। ये विटामिन बी है जो हमें राइस से, ईस्ट से, लीवर मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फर्मेंटेटेड फूड एंड स्प्रोटेड पल्स, इन सब से मिलता है हमें। नीड फॉर मेकिंग मसल्स स्ट्रोंग, हमारी जो मांसपेशियां उनको मजबूत करने के लिए, और हमें एनर्जी होती है हमारे पास उसको वर्क करने के लिए काम होता है। अगर विटामिन बी नहीं खाया जाएगा प्रॉपर मात्रा में तो उससे हमें बैरी बैरी हो जाएगा, वीक मसल्स, हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी। अगला जो विटामिन सी है, जो विटामिन सी है वो हमें सीट्रस फ्रूट से मिलता है। सीट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट होते हैं वहां से मिलता है, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, गवावा है, ग्रीन चिल्ली एंड आंवला, इन सब से मिलता है विटामिन सी। और हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो गम है उनको हेल्दी रखने के लिए, दांत को और हड्डियों को और जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है। अगर इसको हम प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाएंगे तो इससे जो डिजीज होगी वो होगी स्कर्वे, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, ये इसकी डिजीज होगी। अगला जो है विटामिन डी है वो हमें मिल्क से भी मिलता है, और कोड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, एग से, और विटामिन डी है वो सनलाइट से भी बनाया जाता है स्किन के द्वारा। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। अगर ये विटामिन डी हम प्रॉपर उसमें नहीं ले पाएंगे मात्रा में तो हमें क्या हो जाएगा, रिकेट, डिफॉर्म बोन, हड्डियां मजबूत नहीं रहेगी, बोलेक्स। विटामिन ई, उसके बाद अगला जो विटामिन ई है उसमें वो हमें कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से, लीवर से और ग्रीन वेजिटेबल टमाटो से विटामिन ई मिलता है। ये हमारी बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन ई। और सैटरलिटी, इससे डिजीज हो जाएगी अगर नहीं लेंगे इसको। उसके बाद विटामिन के है वो ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जिससे जो हमारी ब्लड क्लोटिंग है, खून का जमना, थक्का लगना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। डिजीज होगी इससे प्रोलॉन्ग्ड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिले क्लोटिंग ब्लड, अगर खून नहीं जम पाएगा तो खून चलता रहेगा चोट लगने के बाद। तो आज की वीडियो में यही हमें रीड करना है, साथ साथ ये टेबल लर्न भी करनी है।